असर का टाइम और नमाज की तैयारी, तमाम तर दोस्त लगे हुए हैं, अपना वजू कर रहे हैं। काफ़ी सारी तादाद में आज अल्लाह का दूसरा दिन है, फिर भी रश, और कल के मनाजर भी दिखाऊंगा, तो ऐसे ही है। इस तरफ भी माशाल्लाह से देखें आप, ये काफ़ी सारी यहाँ पर ये जो वजू वाली जगह बनाई हुई है, 1, 2, 3 और ऐसे ही आगे 4, 5 तो लाइन पे है। यहाँ पर वजू करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बिल्कुल मीठा पानी, साफ़ सुथरा पानी। ये सामने पीछे मेंबर भी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम मौजूद हैं कराची इज्तिमा 2024 के पंडाल के अंदर, और आप मेरे बैकग्राउंड पे देख रहे होंगे कि ये कराची इज्तिमा का मेंबर है, और अल्लाह ने आपकी और हमारी बल्कि तमाम जानों की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है भाई। इसी दीन के सिलसिले में भाई ये कराची इज्तिमा में जो है लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो भाई आप तमाम दोस्त कोशिश करें कि जल्द अज़ जल्द इज्तिमा में आएँ, आखिरी दिन आएँ, जितना वक्त हो सके यहाँ पर आएँ, और अपना कीमती वक्त जो है वो बग़ैर ज़ाया किए हुए इज्तिमा में अल्लाह के रास्ते में लगाएँ। तो व्यूअर्स, आज हम आपको कराची इज्तिमा के जो जितने भी मनाजर हैं, यहाँ के लोगों का आना, लोगों का जाना, यहाँ का बाज़ार या जो भी यहाँ पे एक्टिविटी हो रही है वो आपको दिखाएंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर जो है वो स्वाब की नीयत से करना है कि लोग देखें और नेकी के रास्ते पर आएँ। तो भी बग़ैर देर किए हुए चलते हैं। तो जी व्यूअर्स, माशाल्लाह से आप देखें जी, कराची इज्तिमा में काफ़ी सारे दुनिया का आना जाना, और इस तरफ भाई उस्मान भाई और शकील भाई भी भाई यहाँ पर माशाल्लाह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं इनके साथ जुड़ चुका हूँ, ये पहले के आए हुए हैं। तो भाई आज हमने इनको ज्वाइन कर लिया है, और आज कराची इज्तिमा का दूसरा दिन है जी। तो अभी भाई जाना है जलेबी खाने, और जलेबी के भी मनाजर दिखाएंगे। और भाई ये पीछे माशाल्लाह से गेट नंबर 7, यहाँ से लोगों का आने जाने का सिलसिला शुरू है। 6 नंबर गेट, और इस तरफ देखें माशाल्लाह आज दूसरा दिन है, और लोगों का हजूम आप देखें आप। और ये सामने मेंबर, यहाँ पर और बगैर नंबर के यहाँ जलेबी मिलती भी नहीं है, काफ़ी सारा रश। और आज दूसरा दिन है जी। इस तरफ जो है वो पानी की सबील, तो ये सबील लगी हुई है भाई पानी की, ठीक है ना। और इस तरफ ये जितनी भी लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी चाय वाली हैं। यहाँ पर टोकन देते हैं, और फिर एक एक करके लाइन में आते हैं लोग, और ये सारी चाय वाले हैं, ये जितने भी माशाल्लाह, तो पूरे पंडाल में जितने भी हैं चाय वाले हैं माशाल्लाह। यहाँ पर जो है वो कैंटीन वाले हैं, जो रोटी सालन या कोई भी चीज़ लेनी है तो यहाँ मेरे हेलो कोपन वाले हैं ये कोपन। और ये जितने भी भाई कैंटीन से जो भी सामान खाने पीने का लेते हैं, लेके यहाँ पे बैठने का है भाई, ये जगह है, बैठ के खाते हैं ये। ये कराची इज्तिमा में जो चीज़ जहाँ कैंटीन में बाहर बैठकर लोग खाते हैं, तो ये बैठने की जगह है। देखें टेबल लगे हुए हैं हर चीज़, और यहाँ पर आप लेके बिल्कुल सुकून से खा भी सकते हैं। इस तरफ जो है वो रोटियों का सिलसिला शुरू है, कढ़ाइयों पे रोटियां बन रही हैं जी, ये देखें सही है। एक तरफ भी आग लग रही है, चल रही है, दूसरी तरफ भी आग, और एक ही उसके नीचे 4 कढ़ाइयों पे रोटी पक रही है। और इस तरफ देखें आप, और यहाँ पर जो है आपको कैंटीन से वहाँ जहाँ लाइन लगी हुई थी पीछे, वहाँ से कूपन मिलेगा। और यहाँ पर आलू चावल बरियानी, चिकन बरयानी, बीफ सालन, चिकन सालन, दाल सब्ज़ी, हलवा और चना आपको यहाँ से मिलेगा। ये तमाम तर ये कैंटीन के यहाँ लोग होते हैं, यहाँ पर ये जितना भी कूपन वाले आएंगे उनको ये चीज़ मुहैया करते हैं कूपन के साथ। और यहाँ पर जी रोटी, माशाल्लाह से ये रोटी मिलेगी आपको, कितने की जी? 20 रुपए की, सिर्फ 20 रुपए की। इतनी बड़ी रोटी देखें माशाल्लाह से, सही है ना। आप बाहर लेंगे 30 रुपए की, 35 की पकी हुई रोटी, यहाँ आपको सिर्फ 20 रुपए की। कराची इज्तिमा की बरकतें देख सकते हैं आप, तो सिर्फ 20 रुपए की रोटी माशाल्लाह। तो भाई अब जलेबियों की लहन में बिल आखिर उस्मान भाई जो कामयाब हो चुके हैं जी। उस्मान भाई मिल गई जलेबियाँ, वाह भाई कामयाब हो चुके हैं उस्मान भाई जी, इतनी लंबी लहन में से जी जलेबियाँ हमें मिल गई हैं। तो माशाल्लाह आवाम का रश आप देखें भाई,
तो हर तरफ जलेबियाँ जलेबियाँ भाई, जलेबियों के शौकीन यहाँ पे बहुत।